हाइपर थायराइडिज्म होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, मतलब जितना हमारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होने चाहिए उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो उससे हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और उसको हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं। अगर आप स्ट्रेस लोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, तो उससे आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने कोकोनट चंक्स, जो फ्रेश कोकोनट आता है, नारियल आता है, उससे शुरू करना है। अगर वो नहीं अवेलेबल हो तो नारियल का जो तेल होता है वो हाफ टी स्पून या 1/4 टी स्पून आपको लेना है पहले, सबसे पहले जब उठते हैं तब। उसके बाद नाश्ते में आप पोहा, उपमा, डोसा, इडली, ये सब कुछ खा सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका प्रोटीन इंटेक भी बढ़े। तो उसके लिए आप पनीर, टोफू, ये सब ले सकते हो। तो टोफू जनरली अवॉइड किया जाता है, लेकिन कभी कभार ले सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। और ब्रेकफास्ट के बाद आप थोड़े से फ्रूट्स ले सकते हो। मैंगो बहुत अच्छा फूड है थायराइड के लिए, तो मैंगो आप ले सकते हो। फिर उसके बाद लंच में जनरली मैं ग्लूटेन अवॉइड करवाती हूँ थायराइड के लिए, तो ग्लूटेन की जगह मिलेट्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे ज्वार हो गया, रागी हो गया, किसी एक की भी रोटी या फिर राइस, उसके साथ दाल हो गया और कोई भी हरी सब्जी और बटर मिल्क, तो ये हमारा लंच हो गया। फिर उसके बाद इवनिंग में आप कोई भी बटर मिल्क या फिर टी या फिर आप कुछ भी चना चाट या पनीर टिक्का, उस टाइप का कुछ भी आप ले सकते हो। फिर डिनर में आप खिचड़ी, दलिया या फिर सॉर्टेड वेजिटेबल्स, उस टाइप का पनीर टिक्का, इस टाइप का डिनर कोई भी ले सकते हो। सबसे पहला तो है वेजिटेबल ऑयल, फिर जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल हैं जैसे सनफ्लावर, राइस ब्रैन, सफोला, ये सब अवॉइड करना है। प्लस इसके अलावा जो हमारा एल्यूमिनियम फॉइल होता है उसको अवॉइड करना है। कुकवेयर के ऊपर अगर हम जाएं तो उसमें जो हमारा एल्यूमिनियम है और फिर जो नॉन स्टिक है, इन दोनों को भी अवॉइड करना है। प्लस जो हमारे प्लास्टिक के डब्बे जिसमें हम लोग किचन के सारे ग्रोसरी वगैरह रखते हैं, तो उसको भी अवॉइड करना है। और उसके अलावा जो हम फ्रिज में प्लास्टिक के डब्बों में जिसमें स्टोरेज करते हैं, तो वो भी कम्प्लीटली अवॉइड करना है। उसके अलावा व्हीट कम्प्लीटली अवॉइड करना है, और डेयरी में मैं मिल्क अवॉइड करवाती हूँ, बिकॉज मिल्क में आजकल हॉर्मोन्स ज्यादा डालने लग गए हैं, क्योंकि इंजेक्ट करते हैं तो वो कोई फायदा नहीं होता है, वो और जाके इम्बैलेंस करता है, तो इट्स बेटर कि उसको अवॉइड किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, ग्लूटेन, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और उसके अलावा मिल्क। डाइट से भी ज्यादा ये सब चीजें जो है, ये सब पे ध्यान देना पड़ता है। प्लस क्योंकि और एक्सरसाइज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो ऐसा नहीं है कि आपको बेड रेस्ट पे आ जाना है, तो अनलेस एंड अनटिल बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड केस है, डॉक्टर ने बोला है कि बेड रेस्ट करना है, तो डेट इज अ डिफरेंट केस, वो एक अलग केस हो गया। अदरवाइज आपको बेड रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, आप एक्टिव रहो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर अवॉइड करो और एक अच्छा खाना खाओ, ताकि आपके बच्चे को भी हेल्दी नरिश्ड खाना मिले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक एनर्जी बॉल्स आप बना सकते हो, जिससे बहुत ज्यादा आयरन भी बूस्टअप होता है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, जिसमें हम खजूर, अंजीर और बादाम, पिस्ता, काजू, ये सब डाल के एक अच्छा एनर्जी बॉल बना सकते हैं। तो उससे प्रेग्नेंट लेडी को प्लस जो हमारा अंदर बच्चा है उसको अच्छा नरिशमेंट मिले। सिर्फ डाइट नहीं, डाइट के साथ
एक्सरसाइज, स्लीप और आपकी लाइफस्टाइल, ये सभी चीज इम्पोर्टेंट रखती है। और थायराइड 100% रिवर्सिबल है, लेकिन इसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए। अगर हम डाइट पे आते हैं तो उसमें फुल डेडिकेशन चाहिए होता है, जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया जाए आपको वैसे ही करना पड़ता है। और मिनिमम 6 मंथ्स तो आपकी बॉडी को देना ही पड़ता है कोई भी बीमारी से ऊपर उठने के लिए। अगर आपको सालों से बीमारी है, अगर 10 साल, 12 साल, 15 साल से बीमारी है, और अगर आप सोचोगे कि 1 महीने में रिवर्स हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम अपनी बॉडी को 6 महीने से 1 साल का पूरा टाइम देना पड़ता है, तो वो 100% रिवर्सिबल है। और फिर उसको आगे भी हमको मैनेज करना पड़ता है। तो एक बार रिवर्स किया, बाद में भी उसको मैनेज करना पड़ता है, जैसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है एक न्यूट्रिशनिस्ट से या फिर एक हेल्थ एक्सपर्ट से, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आगे का अपना लाइफस्टाइल पूरा मैनेज कर सकते हो। जनरली फीमेल्स को 4 बजते बजते थकावट होने लग जाती है कि अब मुझसे और कुछ नहीं होगा। तो जनरली जो एनर्जी बूस्ट अप होता है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, उससे लगता है कि नहीं, ये एक्चुअली में वर्क कर रहा है। और उसके अलावा हमारा जो स्किन है उस पे इफेक्ट आने लगता है। अगर आपके एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, तो वो सब अपने आप वॉश ऑफ होने लगते हैं, अपने आप कम होने लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आजकल 99% वुमेन सफर कर रही हैं, वो है हेयर फॉल। तो हेयर फॉल तो अभी एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। तो हेयर फॉल में इतना जबरदस्त फर्क आता है, तो ये सब चीजें आपको मोटिवेट करती है, प्लस आपका इंच लॉस होने लगता है अपने आप, अगर आप सब स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो। और उस ये सब चीजें अगर आपको मिलने लगती है, तो आप अपने आप मोटिवेट होने लग जाते हो, नहीं, इट्स एक्चुअली वर्किंग, ये काम कर रहा है, तो हमको इसको आगे फॉलो करना है।